हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ बबीता और मेरे चैनल टेस्टी फूड विद बबीता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताऊंगी कि हम नॉर्मल दूध से किस तरह से बिल्कुल मोटी मलाई निकाल सकते हैं और इसी से हम मक्खन भी बना सकते हैं घर पर या फिर घी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है लगभग 1.5 लीटर फुल क्रीम मिल्क और इसे हम सबसे पहले अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जब दूध में इस तरह से बॉईल आने लगे तब हमें फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पे हमें इसे 5 से 10 मिनट तक इसे बॉईल होने देना है। और ध्यान रहे कि ये जो बॉईल होके बीच में से बॉईल होते हुए नहीं दिखे, इस तरह से जो झाग है ऊपर इस तरह से बना रहना चाहिए, तभी इस दूध में बहुत अच्छे से मोटी मलाई तो फ्रेंड्स, जमेगी। जब देखिए, जब दूध इस तरह से ऊपर आने लगे तब हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है। मैंने इसे 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे अंदर ही अंदर ये बॉईल हुआ है और आप देख सकते हैं ऊपर इसकी मलाई बिल्कुल भी कहीं से भी क्रैक नहीं हुई है। और इसे रूम टेम्परेचर पे आने तक हम इसे पहले ठंडा होने ये मिल्क देंगे। ढकने वाले बर्तन से मैं इसे ढक के इस तरह से ठंडा होने दूंगी जब तक ये रूम टेम्परेचर पर आएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने कम से कम 2 घंटा तक बिल्कुल अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दिया है और ये दूध हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। मैं आपको इसे पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए, इस पे इस तरह से जो बबल्स बने हैं और ये अभी से ही ये हमारी मलाई कितनी अच्छी दिख रही है। ये मलाई जो दिख रही है ये बिल्कुल अच्छी तरह से कैसे निकल के आएगी, इसके लिए हमें इसे रखना है इसे फ्रिज में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दूध को अब निकाल लिया है और इसे मैंने कम से कम 5 से 6 घंटा फ्रिज में रखा था। ये आप देख सकते हैं कि इस पर कितनी ज़्यादा अच्छी मोटी मलाई आई है। साइड से मैं इसे नाइफ से इस तरह से कर देती हूँ ताकि सारी मलाई एक ही बार में मैं आपको दिखा सकूँ हाथ पर। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल रोटी की तरह इसमें मोटी मलाई जमती है। मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो देखिए, इसमें जो टूट गई है उसे भी हम इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से आप दूध से मलाई निकाल के इसे घी या बटर बना सकते हैं और या फिर इसमें से आप क्रीम भी निकाल सकते हैं। मैं आपको क्रीम निकालना भी बताती हूँ अभी। और अब ये जो हमारा मिल्क जो बचा है, अब ये टोन मिल्क है, इसे इसे आप चाय कॉफ़ी के लिए या फिर पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से मैंने ये 1.5 लीटर दूध में कितना सारा मलाई निकाल के रखा है, मैं आपको इसे चम्मच से भी दिखाती हूँ कि इसकी मलाई की जो लेयर है वो कितनी ज़्यादा थिक जमी है। देखिए फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये मलाई जो है बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि इसकी जो थिकनेस है रोटी की तरह है या फिर उससे भी ज़्यादा। अगर आप इस तरह से दूध को गर्म करते हैं और इस तरह से रख देंगे 4 से 5 घंटे तो उसमें बहुत ही अच्छी मलाई आ जाती है। फ्रेंड्स, इस तरह से मलाई निकाल के हम इस मलाई का बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं। ऐसे क्रीम बनाने के लिए हमें लेना है इस तरह का कोई एक छन्नी और इसे रखना है इस पर। और इसके बाद हम इस मलाई में से जिसमें कम फैट रहता है उसे हम निकाल लेंगे। तो देखिए, इस तरह से करके हमें इस तरह से स्पून से इस तरह से करते जाना है। और देखिए, आप नीचे देख पा रहे होंगे कि इसमें से जो हमारी क्रीम है वो निकलते जा रही है और ये जो गाढ़ा वाला ही बच जाता है, ये जो मोटा है, ये जो नहीं निकल पाए इसमें से, इसे हमें दूसरे बर्तन में निकाल के रखना है। इससे हम घी बनाएंगे और जो ये नीचे निकल रहा है उस क्रीम को आप सब्जी वगैरह बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। आप डायरेक्ट ही इस मलाई को यूज़ ना करिए क्योंकि ये मलाई में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है तो सब्जी का टेस्ट अच्छा नहीं आता है, बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है सब्जी में। और इस मलाई का यूज़ आप केक बनाने में या फिर केक क्रीम बनाने में भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इस तरह से एक ही दूध से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे आपने दूध को भी यूज़ कर लिया, आपने उसमें से ये क्रीम भी निकाल ली और उसमें से ये जो मलाई अलग निकल रही है उससे हम घी या मक्खन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप टोन मिल्क की जगह क्रीम मिल्क ही लाइए और उसे इस तरह से यूज़ करिए तो आपको बाहर से घी भी नहीं लेना होगा, आप घर में ही बिल्कुल शुद्ध देसी घी निकाल सकते हैं। बनाने के लिए इसे मैं एक दूसरे डिब्बे में रख दूंगी जिसमें मैं मलाई जमा करती हूँ घी बनाने के लिए।
तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी ये वाली क्रीम बनके तैयार हुई है, ये हमारी क्रीम बहुत ही काम की है। इसे हम किसी भी तरह की सब्जी बनाने में, कोई भी मीठा चीज़ बना रहे हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। हम जो अमूल का क्रीम खरीदते हैं फ्रेंड्स, वो ऐसा ही होता है। तो अगर आप तरह से क्रीम निकाल के आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको क्रीम का यूज़ नहीं है तो आप दूध में से जो मलाई निकाल रहे हैं उसमें से ये क्रीम ना निकालिए, क्योंकि ये सिर्फ 1 से 2 दिन ही रहती है। और आप इस तरह से सारी सारी मलाई को एक साथ ही जमा करें और उसे घी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ही इस तरह से दूध से मलाई निकाल के एक बार ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।